विश्व योग दिवस पर जहां पूरे देश विदेश में लोग योग कर रहे हैं, वहीं अलीगढ़ में भी लोग जोरों शोरों से योग दिवस मना रहे हैं। अलीगढ़ स्टेडियम में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी व शहरवासी योग कर रहे हैं, तो पुलिस लाइन में समस्त पुलिस परिवार योग कर रहे हैं। इसी कड़ी में शहर विधायक संजीव राजा ने स्विमिंग पूल के अंदर जल में योग किया। विधायक संजीव राजा समर्थकों सहित सुबह ही अलीगढ़ क्लब स्थित स्विमिंग पूल पहुंच गए और स्विमिंग करने के साथ साथ योग भी किया। विश्व में गूंजे हमारी आरती, माँ भारती माँ भारती माँ भारती, और इस स्वप्न को साकार करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो नाम है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, जो हिंदुस्तान कभी विश्व का गुरु कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। आज 21 जून के दिन समूचे विश्व में योग दिवस के नाम पर माँ भारती की छाप छोड़ी है और आज इस अलीगढ़ शहर में, अलीगढ़ शहर के मशहूर अलीगढ़ क्लब में यहाँ वाटर योगा स्विमिंग पूल में यहाँ के अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने, उनमें डॉक्टर्स भी हैं, उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, व्यापारी भी हैं, हर वर्ग के अधिकांश लोगों ने यहाँ स्विमिंग पूल के अंदर एक वाटर योगा के माध्यम से एक नया अध्याय अलीगढ़ के इतिहास में लिखा है। डॉक्टर नागेश जी, डॉक्टर नागेश वास ने इसके आयोजक थे, उनके लिए जैसे बने। क्या संदेश जाता है इसमें, जो वाटर नई पहल है, नए तरीके का योग है, क्या सीखने को मिलता है इसमें? देखिए, जल में विचरण या हम कहें स्विमिंग एक बहुत बड़ी स्वयं एक्सरसाइज है और उसमें यदि योगा और जुड़ जाए तो सोने में सुहागा। आज यही कार्य अलीगढ़ क्लब में हुआ है। बताइए, अलीगढ़ में शहर में आज प्रभारी मंत्री जी भी का आना हुआ है, वो अलग तरीके से योगा कर रहे हैं, प्रकार हैं। मैं 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बधाई दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके कारण हम सब लोगों को प्रेरणा मिली, जिनके कारण आज पूरे गांव, शहर, गली, महानगर सभी में योग का आयोजन हो रहा है। मैं अलीगढ़ के स्टेडियम में से मैं मौजूद हूं और हजारों की संख्या में यहां मौजूद है और सबके मन से एक ही बात निकल रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में जो योग का परचम लहराया है और आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान जिस तेजी के साथ बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात मैं बधाई दूंगा उन साधु संतों को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके कारण उत्तर प्रदेश के हर गांव, गली, कूचे और मैं कह सकता हूं सारी नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, जिला केंद्रों में आज योग के आयोजन हो रहे हैं। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ मन से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, तो हम बहुत तेजी के साथ भारत को विश्वगुरु की ओर बढ़ाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।